अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमयू क्लास 6 2021 का जो पेपर था उसका जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पे करने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन आते हैं 6 के एंट्रेंस में और 9 के एंट्रेंस में भी, तो ये दो पार्ट में दोस्तों वीडियो होगी। 15 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, इसके बाद की वीडियो और आएगी, बाकी 15 मैं वहां पर आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर एमयू एंट्रेंस देने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखें पूरा। कई सारे कॉन्सेप्ट से आपको यहां से पता चलने वाले हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत सारी हेल्प आपको यहां से मिलने वाली है एमयू एंट्रेंस पर और जामिया एंट्रेंस पर। दोस्तों जिनको भी मेरा बैच ज्वाइन करना है, अगर मेरा पढ़ाना उनको समझ में आता है तो वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्लास 6 की एंट्रेंस फीस ऑनलाइन 3,500 रुपए और 9 के एंट्रेंस की फीस ओनली 4,000 रुपए। बैस कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी और अगर आप मेहनत करेंगे तो क्वालिफाई में जरूर कर जाएंगे। तो चलते हैं पेपर की तरफ। पहला सवाल यहां पर आपको आया था, सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे साइड में और हम सीधे जाएंगे उनके सोल्यूशन पर। पहला सवाल यहाँ पर आपको आया था जहां पर आपको कहा गया था 16 लीटर और 16 लीटर एंड 490 ml में से आपको 10 लीटर और 255 ml को माइनस करना था। इसमें एक बात समझ लें आप कि फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है ना उसमें से ये माइनस करते हैं। तो फ्रॉम के बाद यहाँ पर 60 लीटर लिखा हुआ है, उसके बाद ऊपर लिखा और 255 ml, यहाँ पर 10 लीटर नीचे लिखा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, लीटर के नीचे लीटर लिखते हैं और ml के नीचे ml लिखते हैं। अब इसको हम माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर नंबर जो आपका जब हम माइनस करते हैं तो उसका एक रूल होता है कि अगर ऊपर का नंबर जो है बड़ा छोटा होता है और नीचे बड़ा होता है तो क्या करते हैं, हम वन बोरो करते हैं लेफ्ट साइड से। यहाँ से वन बोरो कर लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 8। हमने वन बोरो कर लिया ना, 8 बचा, तो 8 में से आपका जाएगा 5 तो बचेगा 3, यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, एल का एल और 60 में से 10 गया तो कितना बचेगा 6। तो आपका आंसर क्या क्या आ जाएगा, 6 लीटर 235 ml। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था जहां पर आपको सीपी फाइंड करना है। आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, आपको सीपी फाइंड करना है। हमें एसपी दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था 5500 और हमको प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट हमें दिया हुआ था 1500 और हमसे कहा था सीपी फाइंड करिए। तो बेटा सीपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। अब सारा जो डिटेल कैसे होती है वो जब आप बैच में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और तो एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप किसी चीज को सेल करते हैं। कॉस्ट सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आप किसी चीज को बाय करते हैं बेचने के लिए उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमें सीपी निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है आपका एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी हमारे पास क्या है, 5500 माइनस 1500 बराबर कितना आ जाएगा 4000। इसका मतलब सीपी कितना आ गया आपका 4000। इसका मतलब ये होगा कि आपने किसी चीज को 4000 में बाय किया है और 5500 बेचा है 5500, जब भी आपको 1500 का प्रॉफिट हुआ है। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से किस शेप में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। पहली बात, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो किसी फिगर को दो एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड करती है, अगर आपको होल्ड करें तो कुछ भी बचे ना, बिल्कुल कवर कर ले एग्जैक्ट। तो देखिए ट्रायंगल में जो होता है, आपके ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं आपको ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन और सर्किल। अब आप ट्रायंगल में करें अगर आप, तो ट्रायंगल में वन लाइन होती है, ठीक है। अगर आप जाएं हेक्सागन में तो उसमें थ्री लाइंस होती हैं। स्क्वायर में आप जाएं तो बीच से कर लें आप, ठीक है, आप मतलब वर्टिकली कर लें, मतलब हॉरिजॉन्टल कर लें और साइड में कर सकते हैं आप, तो इससे हो जाएगा। लेकिन वहां पर इनफाइनाइट नहीं होती है। इनफाइनाइट का मतलब है कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लें आप, तो सारा वो उस लाइन जो लाइन है ना वो फिगर को दो एग्जैक्ट शेप में या पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। इसका आंसर है सर्किल। कैसे, सर्किल भी हमारे पास सर्किल है, इसका सेंटर है, सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करें, उसको बोलते हैं डायमीटर। तो आप डायमीटर कैसे भी आप डिवाइड कीजिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है तो ये एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैं इसको ऐसे कर लूंगा तो एग्जैक्ट पार्ट में हो जाएगा, इसको ऐसे कर लूंगा एग्जैक्ट पार्ट में, इसको ऐसे कर लूंगा, तो इसके अंदर हम इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं।
तो सर्किल में हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको चार स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपको बता रहा था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन कौन सा स्टेटमेंट है। आपको दिया हुआ था 9020 डिवाइड बाई 1 और यहां आपको दिया हुआ था 9020। यहां आपको दिया हुआ था ये है आपका इक्वल्स 9020, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन बच्चों आपके पास था 9020 डिवाइड बाई 9020 बराबर 1, ये आपका सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन आपके पास आया था 0 डिवाइड बाई 9020 बराबर 0 था। और फोर्थ ऑप्शन था आपके पास 0 डिवाइड बाई 9020 बराबर 9020। ऐसा आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे। अब देखिए हम जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमें मिलेगा। मतलब कहने का अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे हमेशा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा। तो यहां पर 1 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये नंबर आ गया। अगर हम दो सेम नंबर को डिवाइड करते हैं हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो यहां पर सेम नंबर है ना, डिवाइड कर रहे हैं आंसर 1 आ गया, इसका मतलब ये ठीक है, ये भी ठीक है। किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं हमेशा आंसर 0 आता है, हमेशा 0 आएगा। अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करें आंसर हमेशा 0 आएगा, कोई भी नंबर दिया हो। तो यहां पर हम 0 को इससे डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब एक ही बचा, ये वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था लेंथ ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड। देखिए सर्किल बना हुआ है, इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है जो आउटर वाला एरिया है ना, ये वाला पूरा जो इसकी बाउंड्री है इसको बोलते हैं इसकी लेंथ। डायमीटर क्या होता है, अंदर। ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली, कोई भी ड्रॉ कर ले आप, ये होता है इसका डायमीटर। इसका हाफ कर देंगे होता है रेडियस। लेंथ क्या होती है, इसकी पूरी बाउंड्री, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो आपका आंसर क्या होगा, सर्कमफेरेंस। क्या होगा आपका आंसर, सर्कमफेरेंस। बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपको आया था अरे हैज रे, रे में क्या होता है। देखिए रे बच्चों क्या होती है, आपने सुना होगा सनरेज होती है, सनरेज आती है, उनको हम सनरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, कहां तक जानेंगे उसका कोई भी आपको आइडिया नहीं होता, किसी को नहीं मालूम। तो इसमें आपको ऑप्शन थे 1 एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट और नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिए, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल था। सर्किल में जो है ना, कोई भी रे में एक आपका एंड पॉइंट होता है, यहां से स्टार्टिंग मान लिया इसको एंड मान लिया, मतलब है पॉइंट ये, तो क्या होता है इसका 1 एंड पॉइंट होता है। एरो बताएगा कि इस साइड में लाइन बहुत लंबी जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन यहां से तो निकल रही है ना, तो ये आपका इसको इसको मानते हैं 1 एंड पॉइंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था 10 स्क्वायर मीटर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। थोड़ा मुश्किल सवाल था, 10 मीटर स्क्वायर लिखें या लिखें 10 स्क्वायर मीटर, वो एक ही बात होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, 10 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हम 1 मीटर स्क्वायर को 10 से इंटू कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 मीटर स्क्वायर को, मैं कैसे करूंगा, 1 मीटर स्क्वायर को होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ऐसे कर सकते हैं हम। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, तो यहां भी 100 और यहां भी 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब यहां पर कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है, इसको 10 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 10,000 कितना हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, 1,100,000 कितना हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था करने के लिए कि अगर हम लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, 6 × 9 लिख दो बस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें मुझे 1 ऐड करना है, मैंने 1 ऐड कर दिया, यहां पर अब प्लस कर दिया, 9 × 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 और कितना आ गया आपका, ये आपका हो गया आंसर 10 लाख। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको नेक्स्ट सवाल आया था। चलते हैं इसकी तरफ। आपको चार स्टेटमेंट दिए हुए थे, पहला आपको दिया हुआ था 2/3 और ये आपको दिया हुआ था 3/2, पहला स्टेटमेंट तो ये वाला था आपका। दूसरा आपको दिया हुआ था 5/9 बड़ा होगा किससे, 2/9 से। थर्ड आपका आया था
फोर होल 3/5 = 23/5, और लास्ट आपका आया था वन होल 1/2 स्मॉलर देन टू होल 1/2। ये आपके चार ऑप्शन थे और आपको बताना था इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट। अब देखिए हम जानते हैं पहले कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो ऊपर का नंबर जो जो भी जहां भी न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। ये 5 बड़ा है, साइन बड़ा है इसकी तरफ, तो ये बड़ा नंबर है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट, ये ठीक है ये वाला। सेकंड आपका आया था 4 होल 3/5, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं इंप्रॉपर फैशन के अंदर तो कितना हो जाएगा, 5 4 20, इसको प्लस कर देते 23/5, ये भी ठीक है। अब यहां देखिए इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं पहले इंप्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए अगेन वही आ गया 2 to the 4 1 5 5/2 हो गया। अब बताया था नीचे का नंबर अगर सेम होता है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर इसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है, तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट। साइन देखिए साइड में है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट है गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। समझ में आपको बात आ गई होगी। बेटा चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपको आया था कि 500 को हम रोमन नंबर में क्या कहते हैं, तो देखिए कुछ नंबर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। एल होता है 50, एल होता है 50, सी होता है 100, ठीक है, और आपका डी होता है 500, और एम कितना होता है, एम होता है 1000। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। ये कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं था बच्चे। नेक्स्ट सवाल आपको आया था 111 into 111। अब देखिए ये थोड़ा ट्रिक वाला सवाल है, क्या मतलब है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इतने होता है इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीन डिजिट है तो लगभग तीन मिनट आपके चले जाएंगे, लेकिन क्या होता है इसमें तीन बार वन है ना, तो हम क्या करेंगे इसको 1 2 3 जितनी बार वन होगा उतनी हम बढ़ाते रहेंगे आगे, कितना हो जाएगा 1 2 3 और 2 1, फिर हम कम कर देंगे। ये इसकी ट्रिक होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 1 1 1 है, चार बार बन रहा है इंटू 1 1 1 1, अब चार बार बन आ रहा है ना, क्या करेंगे हम 1 2 3 4 3 2 1, बस ऐसे क्या करेंगे इसको 1 2 3 4 और 3 2 1, इसका आंसर हो गया। ये ट्रिक होती है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना जाके प्रॉपरली तो आपके 3 4 मिनट आराम से चले जाएंगे, लेकिन टाइम बचाना होता है। अच्छा नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको दिया हुआ था 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ था, और आपसे पूछा था इसका एलसीएम क्या होगा, ये पूछा था आपसे, ऐसे पूछा है आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 864, 2 नंबर्स 864 दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है उसका एलसीएम, आपको एलसीएम दिया हुआ है 72, और आपको पूछा है एससीएफ निकालिए। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, SCF equals product of 2 numbers, इसको ऊपर लिखेंगे product of 2 numbers upon LCM, ऐसे कर देंगे। अब कितना है ये 864 है, 864 upon 72, डिवाइड कर दिए इसको साइड में, डिवाइड कर लेते हैं 864 72, तो कितना हो जाएगा वन दा कितना बचा 14 बचा, 4 बार लिया 72 दा 144, कितना आ गया आंसर आपका 12, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये थोड़ा सा किसी बच्चों को मुश्किल लगा होगा, एक्स वगैरह जो है आप ही आपके में फिफ्थ क्लास में इतना आता नहीं है, तो इसमें कई बच्चों को परेशानी हुई होगी। आपसे कहा गया था कि x plus x plus 3/2 = 4 है। अब इसका आपके ऑप्शन थे 7/2 5/2 1/2 और लास्ट ऑप्शन था आपका 1। अब देखिए पहले समझ लेते हैं सवाल का मतलब क्या है, डरने की घबराने की बात नहीं है, आपसे कह रहा है कि 3/2 में क्या प्लस करें जो कि 4 आ जाए। अब 3/2 क्या होता है, इसको शॉर्ट में करते हैं, 3/2 क्या होता है, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपका आ जाएगा 1.5, इसका मतलब ये तो 1.5 आ गया, तो 1.5 में मैं इनमें से क्या प्लस करूं जो कि 4 आ जाए, तो हम जानते हैं 1.5 में हम 2.5 प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इनमें से कौन सा नंबर मुझे 2.5 देगा, यहां देखिए डिवाइड कर दूंगा तो यहां रहने का आ जाएगा 3.5, ये तो नहीं होगा, इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा 2.5, इसका मतलब यही आंसर है यार, यहां 2.5 5 आ गया, तो 2.5 प्लस 1.5 बराबर
ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको सैलरी सब्ट्रैक्ट करना था, आपको सब्ट्रैक्ट करना था सिक्स ईयर और आपको दिया हुआ थ्री मंथ। देखिए मैंने बताया था इससे पहले, फ्रॉम वाला जो होता है ना उसको पहले लिखते हैं और जो पहले लिखा होता है उसको बाद में लिखते हैं, मतलब उस बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, फ्रॉम वाले में से दूसरा वाला माइनस करते हैं। तो यहां पर आपको क्या आ गया, फोर ईयर आ गया, आपको फोर ईयर और आपका क्या था एट मंथ था। अब देखिए यहां पर एक ट्रिक काम करती है, अब यहां पर देखिए नंबर आपका छोटा नंबर है तो यहां बड़ा है नंबर, ऐसे केस में क्या करते हैं, सवाल ऐसे आपको आता है, इस केस में क्या करते हैं हम ना, वन ईयर यहां से निकाल के उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से एक ईयर निकाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा 12 मंथ, उसको इसे प्लस कर दूंगा तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 15 मंथ और यहां कितना रह गया 5 ईयर। अब माइनस कर दीजिए आप, 15 में से 7 मंथ और 5 में से 4 गया 1 ईयर, तो कितना आपका आंसर आ गया 1 ईयर 7 मंथ। अब चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट सवाल पे, आपको बताना था कि 2000 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हम जानते हैं 1 ग्राम कितना होता है, बराबर 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो आप कितना हो जाएगा 2 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 2000 मिलीग्राम, तो आपका आंसर क्या होगा 2 ग्राम, क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा 2 ग्राम। बच्चों आज मैंने आपको आधे सवाल इसके सॉल्व करके दिखा दिए और मैंने समझा भी दिया आपको कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है इनके अंदर। जिनको पसंद वीडियो आई है लाइक भी कर दें बेटा, सब्सक्राइब भी करें और मुझे बैच में ज्वाइन करना है तो मुझे नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, बहुत अहम टाइम है, अगले 3 लगभग महीने आपके पास अब रह गए हैं तैयारी करने के लिए, तो जल्दी बैच ज्वाइन करिए और सीखिए और एमयू में पहुंचिए टेस्ट पास करने के बाद। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, इसके बाद की वीडियो आएगी जहां पर आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।